पिंड भोजराज विच अमृत वेले कड़ा प्रसाद दीआं देगां बच्चे तैयार करदे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश बच्चे करदे ने। नितनेम संगती रूप विच बच्चे करदे ने। पंज बाणियां दा सिमरन दी हाजरी भरदे ने। कीर्तन दी दो टाइम हाजरी भरदे ने। हरेक गुरद्वारे साहिब विच इदां दा माहौल होना चाहीदा। पर वेखन विच आया असी बच्चियां नूं बहुता गाह नहीं होण दिंदे कि बच्चियां कोलों गलतियां हुंदियां, पर बच्चियां नूं सही रस्ता दसण वाला होना चाहीदा। बच्चियां च बड़ा जोश है, पर असी बच्चियां नूं आम समझदे हां। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच भगत ध्रुव दा जिक्र आया, भगत प्रहलाद दा जिक्र आया। ये भी शरीर करके उम्र करके छोटे सन, पर इन्होंने बंदगी की थी। इदा ही बच्चे जे अपन इन्हों रस्ता दसांगे, ये बच्चे कथा की हाजरी भी भरते ने। ये बच्चे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मुख वाक भी लै सकते ने, अरदासा भी करते ने। पिंड भोजराज विच बच्चे कथा की हाजरी भरते, छोटे छोटे बच्चे कथा कीर्तन करते ने, अरदास की हाजरी भरते ने। सो गुरु साहिब की बड़ी कृपा है, गुरु साहिब के चरणों के नाल जुड़े ने। हरेक नू मापियां नू ए उपराला करना चाहिए, हरेक गुरु घर के सेवादार नू उपराला करना चाहिए है।